दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही अच्छी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण रक्षा डील के बारे में है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर एमका फाइटर जेट के इंजन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक के बाद एक काफी सकारात्मक और अच्छी खबर निकलकर भारत के लिए सामने आ रही है, जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से होता जा रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर काफी एडवांस स्टेज में बातचीत कर रहे हैं और साल 2023 के शुरुआती महीने में इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे सकता है, जो कि इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बना देगा और ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। एक के बाद एक रक्षा निर्यात में भारत के लिए काफी अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां शुरुआत आर्मेनिया के द्वारा भारत से लगभग 45 मिलियन डॉलर की कीमत पर स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार खरीदने से हुई। वहीं पर अब इस तरह की डील को लेकर खबरें आ रही है, जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत ने शून्य से आज हजारों करोड़ों तक का सफर कैसे तय कर लिया है। अगर इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है तो ये डील फिलीपींस की डील को ध्यान में रखते हुए लगभग 300 मिलियन डॉलर से लेकर 500 मिलियन डॉलर तक की हो सकती है। हालांकि एक देश ने कितने हथियार खरीदे हैं, इसे देखकर दूसरा देश कितने हथियार खरीदेगा, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर इंडोनेशिया ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल खरीदेगा तो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डील लगभग 500 मिलियन डॉलर तक की हो सकती है। जिसके बाद से आगे अगर इंडोनेशिया को लगता है कि उन्हें और ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है, तो भविष्य में कुल मिलाकर भारत इंडोनेशिया को कई अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर सकता है। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल की असली मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक की है और भारत एक ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन को भी विकसित कर रहा है जो कि 800 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, लेकिन MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलों को निर्यात नहीं कर सकता, जिसकी वजह से भारत ने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई की है उनकी मारक क्षमता भी केवल 290 किलोमीटर की है। और अगर भारत इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करता है तो उसकी भी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक की होने वाली है। हालांकि ये मौजूदा ब्रह्मोस के मुकाबले काफी कम है, लेकिन अगर इसे एक अलग मिसाइल के तौर पर देखा जाए तो 290 किलोमीटर की मारक क्षमता कुछ कम नहीं होती और इससे भी दुश्मन के ऊपर काफी भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों आज सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाटा और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से लीप इंजन को लेकर काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक ने टाटा के साथ अपने 1 अरब डॉलर की डील को एक्सटेंड कर दिया, जिससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। वहीं पर अब अमेरिका ने भारत को एमका फाइटर जेट के इंजन को लेकर अब तक की सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक के वाइस प्रेसिडेंट ने यह बात कंफर्म की है कि GE ने भारत के एमका प्रोग्राम के लिए एक 116 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को विकसित करने का प्रपोजल दिया है, जो कि बेसलाइन GE F414 इंजन पर ही बेस्ड होगा और वह भारत को इस इंजन की कोर टेक्नोलॉजी भी देंगे। लेकिन अभी इस बात पर कंफर्मेशन नहीं आई है कि इस प्रपोजल के तहत भारत को इस इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये भी भारत के लिए काफी जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस बात को माना है कि वह भारत को अपने इस इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोर तकनीक देने के लिए इसलिए राजी हुए हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार अब इसमें अपनी हामी भर चुकी है और वह नहीं चाहते कि यूरोपियन देश भारत के साथ इस इंजन को विकसित करने की डील हासिल कर ले, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी तकनीकों के लिए बाजार को सीमित कर देगा। भारत आने वाले समय में काफी बड़ी संख्या में हाई एंड एरो इंजन की खरीद करने वाला है और उन्हें भारत के अंदर बनाने पर भारत ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के साथ काम करने के लिए अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा तो भारत के साथ अमेरिका के रक्षा संबंध कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस पर आज भारत और रूस के रक्षा संबंध है। हालांकि अब क्योंकि अमेरिका चीजों को समझने लगा है, इसीलिए अब अमेरिका धीरे धीरे अपने कानूनों में बदलाव करके भारत को अपनी विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी भारत को काफी सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका इस डील के तहत भारत को इंजन की IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे रहा है, जो कि भारत के लिए आगे जाकर काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और क्या भारत को इस इंजन की डील अमेरिका से करनी चाहिए नहीं, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। वहीं पर अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।